अरे नमस्कार सर जी। अरे नमस्ते नमस्ते रमेश बाबू, कैसे हैं? ठीक है सर। वाह वाह, प्रभु की कृपा है। मतलब काम काज खेती बाड़ी सब बढ़िया चल रहा है? जी सर जी, थोड़ा बहुत जमीन है उसमें खेती बाड़ी हो जाती है, अब बाकी बात जो समय मिलता है ना ये मालिक का मजदूरी कर लेते हैं, बस ऐसे ही जिंदगी चल रहा है। इंसान को जो है ना हर काम दिल से करना चाहिए। जी लेकिन बच्चा सबके पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल आप। जी स्कूल तो जाता ही है और ट्यूशनों लगा के रखे हैं। आता है स्कूल सब, लेकिन रेगुलर नहीं आता है। मतलब कि सरकारी विद्यालय जो है ना 250 दिन खुला रहता है साल में, लेकिन ज्यादातर बच्चा जो है ना 150 दिन आता है, और उसमें आपका भी बच्चा शामिल है। बेटा तो हमारा नालायक निकल गया, लेकिन बेटी तो। देखिए रमेश जी, बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा रमेश जी एक बात बताइए, यदि कोई जानवर आपका आवारा निकल जाए तो क्या करते हैं? उसको खुला छोड़ देते हैं? अरे नहीं सर, उसको नाथते हैं, मतलब सीधा करते हैं। मतलब कि जानवर को सही करते हैं जिसके साथ आपको 5-10 साल रहना है, लेकिन बेटा को सही नहीं करते हैं जिसके साथ आपको पूरा बुढ़ापा बिताना है। और आपकी बेटी तो पढ़ने में भी तेज है, लेकिन उसको आप लोग घर के कामकाज में फंसा के रखे रहते हैं। हम लोग किसान हैं सर जी, खेती बाड़ी का भी काम काज रहता है। अरे उस काम में आप लोग बच्चों की मदद सुबह शाम या छुट्टी के दिन में भी तो ले सकते हैं, है कि नहीं? ये तो हो सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात बताएं जी, आपके टोले में अगर किसी एक घर में शादी हो रही हो तो पूरे टोले के बच्चे 4-4 दिनों तक स्कूल नहीं आते हैं। क्या कह रहे हैं सर जी? लीजिए, आपको ये भी नहीं पता है कि आपके बच्चे कब स्कूल जाते हैं और कब नहीं जाते हैं। अच्छा ये बताइए, गेहूं के बीज को सिर्फ खेत में गाड़ दिया जाए तो फसल तो बहुत बंपर होगी। नहीं सर जी, ये कैसे हो सकता है? गेहूं की खेती करने में पूरे 150 दिन लगते हैं। पहले बुआई करना होता है, फिर पटवन करना होता है, फिर खाद मारना होता है, पूरा सेवा करने के बाद फसल होती है। बच्चे भी पौधों की तरह ही होते हैं, सिर्फ स्कूल में एडमिशन करा देने से पढ़ाई नहीं कर लेते। आपको ये व्यवस्था करनी पड़ती है कि वो रेगुलर स्कूल जाएं, उनके पास किताबें हों, पोशाक हों, और वो घर पे भी सुबह शाम पढ़ाई करें, तब जा करके उनकी पढ़ाई कम्प्लीट होगी। नहीं तो आधे अधूरे तैयार फसलों की तरह उनकी पढ़ाई भी आधी अधूरी रह जाएगी। वो तो ठीक है सर जी, लेकिन हम सोचते हैं कि न रोज जाएगा तो कहियो कहियो चल जाएगा, जे ही कुछ सीख जाएगा। आप समझे नहीं रमेश जी। अच्छा ये बताइए कि यदि किसी बच्चे को पहले 1 से 20 तक का गिनती सिखाया जाए और फिर सीधा 80 से 90 का गिनती सिखाया जाए, या पहले 2-3 का पहाड़ा सिखा दिया जाए और फिर सीधा 17-18 का पहाड़ा सिखाया जाए, तब तो बच्चा गणित में पंडित हो जाएगा, है ना? ये कैसे होगा सर जी? जी ठीक उसी तरह, यदि बच्चे 2 दिन स्कूल आएंगे और 2 दिन नहीं आएंगे तो उनकी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आधा एक पाठ का पढ़ेंगे तो आधा दूसरे पाठ का पढ़ेंगे। इसीलिए तो हम ट्यूशनों लगा रखे हैं। अच्छा ये बताइए, 8 कट्ठा खेत को पटाने के लिए कितना देर पंपिंग सेट चलाना पड़ेगा? वही 3-4 घंटा। आ यदि 1 घंटा पंपिंग सेट चलाएं तब तो खेत एकदम पूरा पट जाएगा, फसल बंपर हो जाएगा, है ना? क्या कह रहे हैं सर जी, फसलें नहीं होगा। जी ठीक, यही बात ट्यूशन पे भी लागू होती है। ट्यूशन सिर्फ 1 घंटे का होता है जिसमें स्कूल में पढ़ी हुई बात का रिविजन हो सकता है, लेकिन स्कूल जो होता है वो 7 घंटे का होता है। उसमें हर विषय की अलग अलग घंटी होती है, अलग अलग शिक्षक होते हैं, हर पाठ को बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके पढ़ाया जाता है, तब जा करके बच्चे को समझ में आता है। लेकिन उसके लिए बच्चे को स्कूल रेगुलर आना होता है। सॉरी लगता है कि हम आपको भाषण दे दे करके बोर कर दी, है ना? अरे नहीं सर जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। जब हम लोग अपना पालतू पशु पौधों सबका इतना ख्याल रखते हैं तो अपने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? वैसे कहते हैं ना सर जी कि पूत सपूत तका धन संचय, और पूत कपूत तका धन संचय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अब मेरा बच्चा रोज स्कूल जाएगा, ये वादा है खुद से। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बात को समझे। अच्छा मैं चलता हूँ। प्रणाम प्रणाम।